नमस्कार, मैं धर्म लेटिन में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह जादौन। जैसा कि राजस्थान की सियासत में इस समय कांग्रेस के दो धड़ जो अलग अलग थे कल एक हो गए हैं, उसके बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस सचिन पायलट का एक बार फिर बयान आया है। हालांकि सचिन पायलट का अब पहली बार बयान आया है। सचिन पायलट का इन 31 दिनों में पहला कोई भी बयान नहीं था, यह पहला बयान है। यह भी उनका एक विवादित बयान माना जा रहा है। सचिन पायलट ने कहा है कि राजनीति में भाषा मर्यादित होनी चाहिए, यानी हर भाषा हर शब्द पर एक टीका और टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राजनीति में हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो एक राजनीतिक वजूद को कायम रखे। ऐसी ही भाषा पर सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर टीका टिप्पणी कही है। हालांकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा कहा था। उसके बाद पहली बार सचिन पायलट का यह एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मीडिया के सामने भाषा मर्यादित होनी चाहिए। आखिरकार एक महीने की सियासी जंग के बाद सचिन पायलट की घर वापसी हो गई है। इसके बाद सचिन पायलट काफी लंबे वक्त के बाद मीडिया से रूबरू हुए हैं, यानी 31 दिन तो होटलों में बंद हुए हो गए, उसके बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए हैं। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा है कि राजनीति में भाषा मर्यादित होनी चाहिए। यह मरुधर बुलेटिन के माध्यम से मैं भी कह रहा हूं कि हकीकत में राजनीति में ही नहीं, हर शब्द पर, हर जगह पर, हर मुकाम पर भाषा हमारी मर्यादित होनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को इसीलिए कहा जाता था कि उनकी भाषा हमेशा मर्यादित होती थी। सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि मैंने आलाकमान के ऊपर सारा फैसला छोड़ रखा है। हाईकमान क्या फैसला करता है, क्या फैसला नहीं करता है, इसी को लेकर मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ और हाईकमान जो भी फैसला करेगा सर्वमान्य होगा। यह बात सचिन पायलट ने 31 दिन बाद कही है। 31 दिनों तक किसका इंतजार कर रहे थे, किसका इंतजार नहीं कर रहे थे, आइए जानकारी करते हैं। सचिन पायलट ने कहा, मैंने आलाकमान के ऊपर सारा फैसला छोड़ दिया है। हाईकमान ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है। समस्याओं का निराकरण के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। पायलट ने कहा कि जिसका सरकार बनाने में योगदान हो उसे सम्मान मिलना चाहिए। मैंने गहलोत जी के साथ मिलकर संघर्ष किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूर फैलाने वालों को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सचिन पायलट ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को लेकर इशू था। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 6 साल तक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा। जब हमारी सरकार नहीं थी तब हमने 5 साल तक लगातार मेहनत की, धरने भूख हड़ताल कर हमने जनहित में जुड़े हुए मुद्दे उठाए। 2018 में कड़ी मेहनत के कारण 21 से बढ़कर 100 तक सीटें पहुंची है, लेकिन 1.5 साल में उस गति से काम नहीं कर पाए। कहा कि हमने सबको साथ लेकर काम किया है, कठिन परिस्थितियों में किसानों और युवाओं के साथ मिलकर मेहनत की, समयबद्ध तरीके से सभी इशू का निराकरण किया जाएगा। मैंने कभी भी किसी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। अशोक गहलोत जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन जिस तरह टीका टिप्पणी हुई उससे मुझे भी दुख हुआ है। जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो सच आपके सामने हैं। पायलट ने कहा कि सत्ता और संगठन को मिलाकर काम करना चाहिए। मुझे दुख है कि देशद्रोह का नोटिस भेजा गया। ACB SOG की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने हमारी बातों को सुना है। जब जब पार्टी ने मुझे दायित्व दिया मैंने निष्ठा के साथ निभाया है। दूसरे दल क्या करते हैं क्या नहीं वो जाने। मैंने पार्टी विचारधारा और पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं बोली।